व्हाट इज़ अप गाइस, इस वीडियो में हम वीवो Y53s इस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। ये जो स्मार्टफोन है एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो कि इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। वैसे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा करिए एंड ऐसी सपोर्ट करते रहो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले स्वागत तो करो हमारा। तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि IPS LCD डिस्प्ले होगा एंड यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Helio G80 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि इसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। बैक साइड आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिनमें से रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल एंड सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड जो कैमरा है वो भी एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। एंड फ्रंट साइड आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जहां पर आपको बोके इफेक्ट्स एंड बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलता है एंड एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के साथ। फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है एंड नीचे की तरफ आपको एक लाउड स्पीकर सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पर 3.5mm जैक मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन होगा दो वेरिएंट पर अवेलेबल होगा जिनमें से 8GB रैम 128GB रोम के साथ एंड सेकेंडरी जो वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB रोम के साथ होगा। यहाँ पर आपको कोई भी SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता एंड ये चीज़ इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को स्लो नहीं करेगा या अफेक्ट नहीं करेगा। एंड इसमें जो आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है वो है UFS 2.1। और वही बात करें वीडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर आप 1080p पर 30fps से 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। और इस स्मार्टफोन की ऑप्टिमाइजेशन के कारण स्मार्टफोन का जो कैमरा क्वालिटी है ये एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एक यूज़र को। और हाँ, बैटरी तो भूली है, यहाँ पर आपको 500mAh का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन के साथ। 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये 3 वेरियंट्स पर अवेलेबल होगा कलर के अकॉर्डिंग जिनमें से पहला जो है ब्लू, सेकेंडरी जो है सिल्वर एंड थर्ड जो है ब्लैक कलर पर अवेलेबल होगा ये स्मार्टफोन, समझ रहे हो। पर जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी एंड ऐसी सपोर्ट करते रहो प्लीज़ गाइस। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।